वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे मटका मावा कुल्फी, बहुत ही बढ़िया टेस्टी, बिल्कुल बाजार जैसी। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है देखने में। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले चढ़ा देंगे कढ़ाई, इसमें डाल देना है आधा लीटर दूध, ये थोड़ा आधा लीटर से ज़्यादा है तो इसको डाल देंगे कढ़ाई में। अब गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसको हिलाते हुए इस तरह 8-10 मिनट ऐसे ही चलाना है जब तक कि ये दूध गाढ़ा नहीं हो जाता है। तो लगभग 8 से 10 मिनट इसको ऐसे ही हिलाते हुए चलाते रहना है। अब जैसे कि ये अपना दूध गर्म हो चुका है तो इसमें से मैं थोड़ा एक कटोरी में निकाल लूँगी एक तरफ। तो यहाँ इस तरह से एक कटोरी में 2 चम्मच इतना दूध निकाल लेना है। तो ये दूध अपना गाढ़ा होने लग गया है तो इसी तरह हिलाते हुए चलाएंगे 8 से 10 मिनट। तो ये देखिए दूध अपना कितना गाढ़ा हो चुका है। और यहाँ लिया है मैंने दूध जो एक तरफ निकाला था वो, और 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। ये मेरे पास केसर पिस्ता वाला कस्टर्ड पाउडर है, इसको इस दूध में मिला के दूध को ठंडा होने के बाद इसको मिलाना है। पहले इसमें बिल्कुल नहीं मिलाना है गरम गरम दूध में। तो यहाँ दूध ठंडा हो गया मेरा, इसमें मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उधर गैस की फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दी है। तो इस तरह से कस्टर्ड पाउडर को दूध में अच्छे से मिला लेंगे। अब यहाँ दूध को भी हिलाते भी जाएंगे बीच बीच में। तो देखिए दूध अपना कितना गाढ़ा हो चुका है। ठीक चलाएंगे, फिर इसमें वो कस्टर्ड पाउडर वाला पेस्ट भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए हिलाते जाएंगे। तो 8 से 10 मिनट और हम इसको ऐसे ही हिलाएंगे। तो ये देखिए 8 से 10 मिनट बाद हमारा दूध इस तरह से बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है, ये बिल्कुल रबड़े की तरह बन गया है। इसमें डाल देंगे शक्कर 2 से 3 चम्मच, आपके अकॉर्डिंग जितना आप मीठा खाना चाहो। ज़्यादा मीठा चाहिए तो 3 चम्मच और कम मीठा चाहिए तो 2 चम्मच शक्कर ऐड कर लेनी है। अच्छे से थोड़ी देर और इसको इसी तरह हिलाते हुए चलाएंगे। शक्कर सबसे लास्ट में डालनी है तो इस तरह हिलाते हुए चलाना है। अब इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ मैंने पिस्ता, काजू और थोड़े से बादाम लिए हैं, इनको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। ऐसे हिलाएंगे थोड़ी देर और ऐसे चलाएंगे। तो ये हमारा आइसक्रीम का मावा बनके तैयार हो चुका है। मावा कह सकते हो, रबड़ी कह सकते हो, जिसकी हम आइसक्रीम बनाने वाले हैं। देखिए कितना बढ़िया एकदम गाढ़ा बना है। इसको आप बादाम शेक की तरह भी पी सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगता है इसका। अगर बादाम शेक आइसक्रीम नहीं जमा के जल्दी हो आपको तो बादाम शेक की तरह भी पी सकते हो। अब इसको एक तरफ रख दिया था तो देखिए ठंडा होने के बाद वो ये और इस तरह से गाढ़ा हो चुका है। अब यहाँ मेरे पास ये इस तरह के 2 आइसक्रीम के सांचे रखे हैं, इसमें डालूंगी मैं 2, तो इनको अच्छे से भर के इस तरह, और इसमें आइसक्रीम की डंडी डाल देंगे।
तो इस तरह से इसमें इसका ढक्कन भी आता है, इसके साथ ढक्कन लगा के इस तरह आइसक्रीम की डंडी डाल देंगे। तो इसमें कि मेरे पास फिलहाल दो ही सांचे हैं तो उनमें डाल दिया है मैंने, ये देखिए। और बाकी वेट बच, ये देखिए दो भर लिए है मैंने, और बाकी और जैसे मेरे पास रबड़ी तैयार है तो इसको मैं डिस्पोजल में भर के डिस्पोजल में आइसक्रीम बनाऊंगी। तो इस तरह डिस्पोजल में भर देंगे और डिस्पोजल में भी इसी तरह बिल्कुल बीच सेंटर में आइसक्रीम की डंडी लगा देंगे। तो इस तरह दो दो सांचे भर गए और तीन डिस्पोजल यहाँ हमारे भर के तैयार हो गए हैं। तो देखिए इस तरह से ये पांच आइसक्रीम बन चुकी है। अब इनको एक प्लेट में रख के और फ्रिज में रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। तो 3-4 घंटे बाद ये बहुत ही बढ़िया जम के तैयार हो जाएगी। तो देखिए इनको मैं फ्रिज में रख दूंगी। तो ये 3-4 घंटे बाद देखिए मैंने इनको फ्रिज से निकाल लिया है, इसका ये ढक्कन निकाल के और इनको हम निकालेंगे। तो ये जैसे हाथों से दबाने से नहीं निकल रही है, देखिए। तो फिलहाल इसको रख देंगे। सबसे पहले मैं डिस्पोजल की निकालती हूँ। तो डिस्पोजल को इसको इस तरह से फाड़ के और डिस्पोजल से निकाल लेंगे। इतने में वो थोड़ी लूज हो जाएगी, तो उनको भी इसी तरह निकाल लिया। इसी तरह सारी आइसक्रीम को निकाल लिया है बाहर। तो देखिए ये बिल्कुल बाजार जैसी मटका कुल्फी बन के तैयार हो चुकी है। तो जब भी मन करे घर पे बनाइए, खाइए। थैंक्स वॉचिंग फॉर माय वीडियो। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं नई रेसिपी में कुछ नए के साथ।